हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10 लाइट। और आज हम दो टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, कंकेव मिरर था। आज हम जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स मिरर के, और साथ साथ न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होगा, बोर्ड पे फोकस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें दो तीन केस ही बनेंगे। पहला केस, एक तो ये ध्यान रखना कि इसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश बनेगी, चाहे हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने लिया ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको हम, ये पोल, इसका फोकस एफ, डबल डिस्टेंस पे सी, दोनों तरफ फोकस ले सकते हैं हम, फोकस सी, डिस्टेंस सेम लेना है। ये पी एफ का डिस्टेंस, ये पी एफ का डिस्टेंस, ये पी और सी के बीच का डिस्टेंस, ये पी और सी के बीच का। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, हमने रखा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम उसको ऐसे लेंगे, ठीक है। लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ऐसे आई, टकराई, ठीक है। ये लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, बिखर जाएगी, मतलब ये जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको हम ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं, कितना बेंड करना है, उसका मैं आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले डॉट डॉट करके इसको जोड़ लीजिए। तो हमें पता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास आउट होती है, अपीयर होगी। तो पहले डॉट डॉट करके इसको जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से, और उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, ए एस, मतलब लाइट रे इस तरह से आई, मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली, क्लियर। दूसरी लाइट रे को हम सी से लेकर जाएंगे वो उसी रास्ते से वापस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये इस तरह से आई, ठीक है, और उसी रास्ते से क्या चली जाएगी वापस। या अगर इसमें तो अलग वाला केस लगेगा, कौन से वाला केस लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ऊपर और नीचे से आएगी लाइट रेस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास आउट होती, अपीयर होगी, डॉट डॉट करके हम एफ से जोड़ेंगे और उसी को एक्सटेंड कर देंगे इस तरफ। आप देख रहे हैं कि लाइट रे इस तरह से आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से पास आउट होती, अपीयर हो रही है, मतलब लाइट रे एक्चुअल में तो स्कैटर हो गई, एक इस तरफ एक इस तरफ मीट होती हुई यहां पर अपीयर हुई, और ऐसी इमेज को हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज का नेचर हो गया। साइज, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था, ये इमेज बिल्कुल छोटी सी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, ठीक है, नेचर हो गया, साइज हो गया। कहां बनी है इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। सेकंड वाला केस लेंगे, अब की बार हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। आप पहले केस में कार का काम ने इंफिनिटी पर, अब कहीं भी रख दें हम, एफ या सी के बीच में कहीं पर भी रखो। मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमने बना दिया कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। कुछ बुक्स के अंदर इसको एफ वन एफ टू ऐसे भी लिखा हुआ है, ये एफ वन ये एफ टू, आप दोनों का एफ लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस दोनों का बराबर लेना है। ये सी, P और F के डबल डिस्टेंस पे, ये C,
ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड सी के बीच में, इस तरह से ऑब्जेक्ट का नाम रख देंगे हम ए बी, एक लाइट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से एरो लगा दिया हमने, ठीक है। फोकस से पास आउट होती अपीयर होगी, मतलब डॉट डॉट करके इसको जोड़ेंगे और ये फोकस से पास आउट होती अपीयर हो रही है ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइट रे सी से पास आउट होती अपीयर, ये लाइट रे थी, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को और ऑब्जेक्ट के टॉप को जोड़ेंगे, सी को और ऑब्जेक्ट के टॉप को, इस तरह से हमें लग रहा था कि लाइट रे कहां से जाएगी, सी से पास आउट होती अपीयर होगी ऐसे, एक्चुअल में लाइट रे जो है ऐसे गई और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऐसे। तो एक लाइट रे इस तरफ जा रही है, दूसरी लाइट रे इस तरफ जा रही है, दोनों लाइट रेज यहां पर मीट होती हुई अपीयर होंगी, ध्यान से देखना, छोटा सा जगह बनी है बिल्कुल, ये बनी, ये वाली, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश, ठीक है। दोनों लाइट रेज यहां पर मीट होती हुई अपीयर हो रही है, हमें बतानी है तीन चीजें, इमेज का नेचर, साइज एंड पोजिशन। इमेज का नेचर, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में तो स्कैटर हो रही है, मीट होती हुई सिर्फ हमें अपीयर होगी। साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है तो डिमिनिश, और पोजीशन कहां बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो कॉन्वेक्स के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी, हमेशा हर केस में, क्लियर सभी को। आपने रे डायग्राम से इमेज की नेचर साइज एंड पोजीशन फाइंड करना सीखा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है, तीन नंबर का क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाना आएगा आपको, स्केल पेंसिल और कंपास की मदद से डायग्राम बनाना होगा रे डायग्राम, और उसके बेस पर ही इमेज का नेचर साइज एंड पोजीशन फाइंड करना होगा। तो ये जो टॉपिक हमने किया रे डायग्राम बनाने वाले, ये तीन नंबर का टॉपिक था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब करेंगे वो है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, ठीक है। हमने रे डायग्राम बनाकर इमेज की नेचर साइज एंड पोजिशन फाइंड की थी, अब भी हम इमेज की नेचर साइज एंड पोजीशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सिर्फ कैलकुलेशन करके हम ये बता देंगे कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, इमेज कितनी दूर बनेगी, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या होगी और इमेज का साइज क्या होगा, ये न्यूमेरिकल है। मेरे ख्याल से एक न्यूमेरिकल आपके लिए सफिशियंट होगा सभी के लिए, मैं बिल्कुल एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज बताऊंगा ताकि आपके न्यूमेरिकल मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आप हर चीज को ध्यान से समझें, ठीक है। सभी का फोकस बोर्ड पर होगा। सबसे पहला है इसमें मिरर फॉर्मूला, देखते जाएंगे सभी ध्यान से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज रिलेशन बिटवीन, तीन चीजों के बीच में रिलेशन है, इट इज रिलेशन किस किस के बीच में, बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है u, एंड इमेज डिस्टेंस कि इमेज कितनी दूर बनेगी मिरर से, इमेज डिस्टेंस जिसका सिंबल है v। इन तीनों के बीच के फॉर्मूले को हम, रिलेशन को हम क्या कहेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, मिरर फॉर्मूला है 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये मिरर फॉर्मूला, ठीक है। v यहां पर f का मतलब फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन क्या है वो भी समझ लीजिए, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी, ठीक है। मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ
साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज जो है उनके बीच के रिलेशन को हम मैग्निफिकेशन कहेंगे। मैग्निफिकेशन का सिंबल है एम और एम के का फॉर्मूला है एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन एच ओ। एक और फॉर्मूला होता है इसका माइनस वी अपॉन यू। आपको वी पता है यहां पर इमेज डिस्टेंस, यू पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एच आई क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया, एच आई हाइट या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और एच ओ होगा हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे न्यूमेरिकल में। क्लियर सभी को दोनों चीजें? उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, अजम्पशंस हैं जो कि आपको मानने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पे उनकी समरी ले देता हूं। दो टाइप के मिरर हैं, स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कंकेव मिरर। जो कंकेव मिरर है उसमें आपको हमेशा यू वी एफ तीनों चीजें नेगेटिव लेंगे। यू वी एफ तीनों चीजें क्या लेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर याद रहेगी बात? यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव। जो कन्वेक्स मिरर है उसमें यू नेगेटिव, वी एंड एफ पॉजिटिव। इसको यूज जो है वो आपको कैसे करना है वो एक न्यूमेरिकल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले यहां पे मैंने लिखे हैं, एक तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, एक एम का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ या माइनस वी बाई यू, और कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव, वी और एफ पॉजिटिव, कॉनकेव में सभी चीज नेगेटिव, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में इमेज का नेचर, साइज एंड पोजिशन निकालना जो है वो पूछा जाएगा। उसको मैं साइड में लिख रहा हूं, इनमें से भी कुछ चीजें जो है वो मैं साइड में लिखूंगा। ये सब चीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए, साथ साथ लर्न होनी चाहिए। मैं यहां पर साइड में जो है क्योंकि उसका हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो चीजें लिख देता हूं। एक तो मैंने यहां पे मिरर फॉर्मूला लिखा है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन बाई यू, एक एम का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू या एच आई अपॉन एच ओ, और एक मैंने क्या लिखा है कि अगर हमारा मिरर कन्वेक्स है या कंकेव है, कंकेव में यू वी एफ तीनों चीजें नेगेटिव और कॉन्वेक्स है तो सिर्फ यू नेगेटिव, वी एंड एफ पॉजिटिव, ठीक है। हमसे पूछी जाएगी इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन, ठीक है। इमेज का नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है? नेचर के लिए हम एम देखेंगे, मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखें सभी बच्चे इसको, क्योंकि उसके बाद आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अगर एम की वैल्यू आती है नेगेटिव तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर एम की वैल्यू आपकी आ रही है पॉजिटिव तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज का नेचर जो है वो हमें एम की वैल्यू से पता चल जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है इमेज का साइज, कि इमेज का साइज क्या होगा वो भी हमें एम की न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल जाएगा। अगर एम जो है उसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तो साइज होगा एनलार्ज्ड। एम की वैल्यू एक से कम है, ठीक है, तो साइज होगा इमेज का डिमिनिश्ड, और एम की वैल्यू वन है तो साइज होगा सेम। तो इमेज के साइज का पता जो है वो हमें एम की न्यूमेरिकल वैल्यू से चलेगा। जैसे अगर एम की वैल्यू है माइनस फाइव, ध्यान से देखना सभी बच्चे, माइनस देखते ही आप क्या लिख दोगे? इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ध्यान रखना। और एम की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू में हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, एम की न्यूमेरिकल वैल्यू है फाइव, फाइव वन से बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए इसका साइज क्या होगा? एनलार्ज। तो इमेज के साइज का पता हमें एम की न्यूमेरिकल वैल्यू से चलेगा, उसमें हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, प्लस माइनस सिर्फ इमेज का नेचर देखने के लिए,
एक और एग्जांपल, जैसे m की वैल्यू आई -1/5, माइनस देखते ही आप क्या लगा दोगे, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और m की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1/5, जो कि 1 से छोटा है, तो साइज क्या होगा इसका, डिमिनिश्ड। तो इस तरह से हमें इमेज के नेचर एंड साइज का पता दोनों m से लग रहा है। m तो ये देखो प्लस है माइनस, नेचर पता चल जाएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें साइज पता चल गया। न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको प्लस माइनस नहीं देखना, ये बात बिल्कुल माइंड में रखें। इसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन, इमेज कितनी दूर बन रही है मिरर से। इमेज की पोजीशन का पता हमें वी से चलेगा। अगर वी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वी की वैल्यू नेगेटिव, तो इमेज कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और अगर वी की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। यही तीन चीजें हमसे पूछी जाती है, इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन। एक न्यूमेरिकल मैं यहां पे कर रहा हूं और उसको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एक एक चीज समझना, उसके बाद न्यूमेरिकल आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। एक न्यूमेरिकल आप सबके लिए सफिशियंट है समझने के लिए, अगर ये आपने ध्यान से समझ लिया। क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहां पे लिखते जाएं, ठीक है। मैं इस हाफ वाले पोर्शन में सॉल्व कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, मतलब एचओ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिया। फ्रॉम कंकेव मिरर, मिरर कौन सा है ये भी लिख लो, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड नेचर, साइज एंड पोजिशन, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली हमने। हमने ये देखा सबसे पहले कौन सा मिरर है, कंकेव मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन पर आ जाएं, जब भी हमारा मिरर कंकेव होगा, यू वी एफ सब चीज नेगेटिव में, यू नेगेटिव, ठीक है, एफ नेगेटिव, जो चीज फाइंड करनी है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अपने आप आंसर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कुछ आएगा अपने आप आएगा, क्लियर। अब हम लगाएंगे यहां पे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या, 1/f = 1/v + 1/e, कहां से आया लिखेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो फटाफट जल्दी से इसकी, f की जगह क्या पुट करूं मैं, -20, v की जगह क्या पुट करूं मैं, v, u की जगह -60, क्लियर। एक ही चीज ध्यान से देखेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाए, -1/20 = 1/v, -1/60, क्लियर। इस 1/v को यही रखो और इस -60 को साइड ले जाएंगे, प्लस का 60 हो जाएगा, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे, ये 60 आएगा, आप फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, -3 + 1 यानी -2/60 = 1/v, ठीक है। उल्टा कर देंगे, v/1 = -60/2, v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। जैसे ही v की वैल्यू आएगी हम फटाफट इमेज की पोजीशन लिखते हैं, V से इमेज की पोजीशन का पता चलता है कि इमेज कितनी दूर बन रही है, पहला आंसर हमारा आ गया। अगर V की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कहां बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर, नेगेटिव आ रही है इमेज कहां बनेगी, फ्रंट ऑफ मिरर, हम लिख देंगे आंसर में, इमेज
इज फॉर्म्ड, कितनी वैल्यू आई है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, अब m निकालें। m का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। m की जगह क्या पुट करूं मैं, m v की जगह, m की जगह m, ये माइनस फॉर्मूले का है। v की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है माइनस 30, u की वैल्यू हमें गिवन थी माइनस 60। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, m की वैल्यू आई माइनस 1/2, ये m की वैल्यू आई। माइनस में है, फटाफट हम नेचर लिख सकते हैं। नेचर क्या आ जाएगा, माइनस देखते ही हमें पता चल गया नेचर क्या हो गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद साइज, साइज के पता भी हमें m से चल जाएगा। m की वैल्यू आई है 1/2, 1 से कम है, साइज क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड। इसका हम एक्चुअल साइज भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। m का एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एच आई फाइंड कर लेंगे, हाइट ऑफ इमेज, m की जगह माइनस 1/2, एच आई की जगह एच आई, एच ओ की जगह क्या पुट करूं मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच आई इज इक्वल टू माइनस 5/2 यानी माइनस 2.5 सेंटीमीटर, ये एच आई आ जाएगा। ठीक है, एच ओ कितना था 5, इमेज उसके कंपैरिजन में आधी बनी है, इसलिए साइज का एडमिश। और माइनस में क्यों बनी है इमेज, क्योंकि वो इन्वर्टेड है। ध्यान रखना एच आई में जो, एच आई में जो माइनस आया है वो ये शो करेगा कि इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में 100% श्योर है जो है। इसमें आप हर चीज का ध्यान रखेंगे, इमेज के नेचर का पता हमें एम से चल रहा है, साइज का पता भी एम से चल रहा है, पोजिशन का पता बी से चल रहा है। क्लियर सभी को? एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरह का, एन ऑब्जेक्ट, अब इसमें साइज गिवन नहीं है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कंकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वही तीन चीज, फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, सबसे पहला काम सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दे दिया, u लिख दिया मैंने 40 सेंटीमीटर। आगे चले, फ्रॉम कंकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कंकेव मिरर। ठीक है, लिखने की सारी चीजें ये, ओ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, एफ 60 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहला काम साइन कन्वेंशन लगा दो फटाफट जल्दी से। कंकेव मिरर है, यू की वैल्यू माइनस, एफ की वैल्यू भी माइनस। इसके बाद मेरा फॉर्मूला देखो, 1/f = 1/v + 1/u, और वैल्यू पुट करो जल्दी से। ठीक है, एफ की जगह माइनस 60, वी की जगह वी, यू की जगह माइनस 40। एक भी स्टेप आपका यहां से बाहर नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में वी को अकेला छोड़ देंगे और यू इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। क्लियर? इसके बाद एलसीएम लेंगे, 40 और 60 का एलसीएम 120 इज इक्वल टू 1/v माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v, ये आ जाएगा माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/120 और v की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। ये प्लस में आई है, ध्यान रखना v की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। यहां से हमें इमेज की पोजीशन का पता चल गया, इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी,
इमेज इज फॉर्म्ड, कितने सेंटीमीटर आई है वी की वैल्यू, -120 प्लस 120, तो 120 सेंटीमीटर प्लस में है तो बिहाइंड द मिरर। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि वी की वैल्यू जो है वो प्लस में कैसे आ गई, वी की वैल्यू तो सर ने बताया हमेशा माइनस में रहती है। लास्ट जो केस था अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखते थे उस केस में इमेज जो है उसमें वी की वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। ये लास्ट वाला केस है, ध्यान, इमेज की पोजिशन लग गई पता, अब इमेज के नेचर और साइज पे आ जाए, उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया एन इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। वी हमारे पास कितना है फटाफट लिखते जाएंगे, एन की जगह एन, माइनस की जगह माइनस, वी की जगह +120 और यू की जगह कितना -40, ठीक है। एक माइनस कटा, ये कट गया, 3 आ जाएगा, एन की वैल्यू आई है +3, ठीक है। यहां से हमें इमेज के नेचर का पता चल जाएगा, पॉजिटिव देखते ही आप क्या लिखोगे, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर जो है उसमें एक केस ऐसा होता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और साइज जो है एम की वैल्यू 1 से बड़ी है तो साइज क्या हो गया एन लास्ट। एच आई इसमें हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें एच ओ गिवन नहीं है, हमने तीनों चीजें फाइंड कर दी, नेचर साइज एंड पोजिशन। तो क्लियर सभी को, इस तरह का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% श्योर है। तो इस तरह से लाइट चैप्टर के दो मेन टॉपिक मिरर वाले टॉपिक हमने किए, एक तो रे डायग्राम बनाना और दूसरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। इस चैप्टर में बिल्कुल फिक्स्ड गिने चुने क्वेश्चंस हैं, एक डेफिनेशन एग्जाम में आती है, एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, और एक रे डायग्राम बनाना बिल्कुल फिक्स्ड क्वेश्चन है, वो मिरर के ऊपर भी आ सकते हैं और लेंस के ऊपर भी आ सकते हैं। तो जिस तरह से हमने मिरर का टॉपिक किया है उसी तरह से हम लेंस का भी टॉपिक करेंगे। ये मिरर का टॉपिक था, इसमें हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकता है, या अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस बच्चे को घर पर भी बुला लूंगा, आप फोन कर देना, फोन करके कोई भी बच्चा आके डाउट पूछ सकता है। क्लियर सभी को, लेकिन ये सब चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।